हेलो एवरीवन, मैं सादिया शेख अपने यूट्यूब चैनल क्रिएचर इंडस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एक मशीन, एक बॉक्स दिख रही है आपको। इस बॉक्स के अंदर हमारी बैच कोडिंग मशीन है। बैच कोडिंग मशीन का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, MRP एक्सपायरी मेड डेट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी अदर स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसी दिखती है। अब इस टाइप के बॉक्स में आपकी ये मशीन आती है और ये इस टाइप की मशीन दिखती है। ये गन टाइप बैच कोडिंग मशीन होती है। इसके साथ साथ, मशीन के साथ साथ हम कुछ और चीजें आपको देते हैं, जैसे कि ये चार्जर। मशीन के साथ इस तरीके का चार्जर दिया जाता है। चार्जर के साथ इस मशीन में लगाने के लिए बैटरी दी जाती है। ये मशीन बैटरी से ऑपरेट होती है। एक ये पेन ड्राइव साथ में दी जाती है और मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मशीन की स्क्रीन को हैंडल करने के लिए इस टाइप की पिन दी जाती है आपको। और साथ ही साथ ये सेंसर दिए जाते हैं। अगर इसका यूज आप सेंसर बेस करना चाहते हैं तो आप इस मशीन में सेंसर का इस्तेमाल करके मशीन को सेंसर से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इसकी आगे हम इसकी एक वर्किंग प्रोसीजर दिखाएंगे आपको, जो हमारे इंजीनियर के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि सामने ही आपको मशीन दिखाई दे रही है और ये बैटरी है। इस बैटरी को हम इस मशीन में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस मशीन में एक बटन, पावर बटन दिया गया है। इसको ऑन करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पावर बटन को ऑन करते ही मशीन ऑन हो गई। मशीन पे आपको कुछ इस तरीके का सरफेस पैनल दिख रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस मशीन पे हमें अपने मैटर को कैसे टाइप करना है। इस मशीन के बॉक्स के साथ इस टाइप की आपको पिन मिलेगी। इस पिन से ही मशीन के स्क्रीन को आपको हैंडल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, कोई भी मैटर लिखने के लिए आपको जो भी जिस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में या डेट फॉर्म में या नंबर में या बारकोड में या इमेज में, जो भी आपका मैटर जिस फॉन्ट में या जिस स्टाइल में रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमारा मैटर टेक्स्ट पे है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारा मैटर हो, मान के चलिए MRP हम लिख रहे हैं, सिंबल वगैरह निकालने हैं तो सिंबल वगैरह निकल आएगा इधर से। जैसे देख रही है MRP हमारा ये वन लाइन बन के तैयार। इसको ओके कर देंगे यहाँ से। ये हमारा MRP लिख के तैयार, ये एक लाइन बन के तैयार हो गई। अगर इसका हाइट एडजस्ट या स्पेस वगैरह बढ़ाना है तो एडिट पर आके मॉडिफाई करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं हाइट और वेथ। अगर वेथ में बढ़ानी है, बीच का स्पेस देना, तो वेथ में स्पेस देंगे। हाइट कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ये देखिए, अभी हाइट पहले से थोड़ी छोटी हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा लाइन भी लिख लेना है। ये देखिए, दूसरी लाइन बन के तैयार। इसी को हम इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। ये हमारी तीसरी लाइन बन के तैयार। इसको भी हम इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे। अगर हमें चार लाइन बनानी है तो इन साइजेस को हमें छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी चार लाइन बनके तैयार।
अब हम आपको इसको प्रिंट करके दिखाएंगे। मशीन के साथ कुछ इस तरीके की एचपी की कार्ट्रिज मिलेगी आपको। इस तरीके से मशीन में लगाएंगे हम। ये देखिए प्रिंट बटन से हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले प्लेन पेपर पे करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए चलिए इस पे करके दिखाते हैं। ये देखिए अभी जैसे ये फोर लाइन में है, अगर सिंगल सिंगल लाइन में भी करना हो, जैसे प्रोडक्ट नेम हमें यहाँ पर लिखना है तो वो भी इससे हो जाएगा। चलिए वो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से बैक आना है आपको, ये पुराने मैटर को आपको डिलीट कर देना। जैसे मान के चलिए ये जो भी नमकीन है आपकी, उस नमकीन का नाम लिखना है हमें। अब चलिए आपको दूसरा मैटर प्रिंट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा मैटर बनके तैयार, इसको प्रिंट करेंगे। कुछ इस तरीके का प्रिंट आएगा। अब ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये मशीन खाली पाउच और पेपर पे प्रिंट करने के लिए नहीं है, बाकी ये मशीन बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स पे भी प्रिंट करती थी, जैसे बॉटल्स हो गए, कैंस वगैरह हो गए, कर्टन वगैरह हो गए, परफ्यूम बॉटल्स वगैरह, इन हर सरफेस पे ये प्रिंट दे देता है। चलिए आपको कुछ प्रिंट करके दिखाते हैं। जैसे देखिए ये क्रीम की बॉटल है, इस पर प्रिंट करके दिखाते हैं। अब जैसे इस मैटर को हटा के अगर हमें कोई सिंबल वगैरह भी करना हो तो वो सिंबल भी वगैरह हो जाते हैं प्रिंट इससे। जैसे देखिए ये इतने सिंबल, आप अपना लोगो वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो, इसके वगैरह नाम भी लिख सकते हो। चलिए आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। ये देखिए आप अपने इस तरीके से लोगो प्रिंट कर सकते हैं, जो फॉन्ट लिखना वो फॉन्ट भी प्रिंट कर सकते हैं आप। जैसे देखिए इस कर्टन पे भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पे कैन पे करके दिखाते हैं।
आप इन ढक्कन वगैरह पे भी इस पे प्रिंट दे सकते हैं। ये देखिए